हेलो गाई चंदा दी मौर्य ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यार भरा नमस्कार, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए हम आलमगीर पहुंच गए हैं और आलमगीर का एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के बाहर अभी हम खड़े हैं और मेरे हस्बैंड जी गए हैं गाड़ी लगाने। गाड़ी लगा के आते हैं फिर हम चलते हैं गुरुद्वारा के अंदर। और सोचिए कि जब बाहर इतना अच्छा है तो अंदर कितना बढ़िया होगा। यहाँ गुरुद्वारे के बाहर भी बहुत साफ सफाई भी रखा जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मान लीजिए गुरुद्वारा में सफाई ना करता हो। देखिए यहाँ चप्पल जूता जमा होता है और यहाँ चप्पल जूता जमा कर कर कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ जमा कीजिए, टोकन लीजिए और चले जाइए। हम लोग जा रहे हैं, वहाँ तालाब है, तालाब के पास वहाँ जाएंगे तो घोड़ा धोएंगे, इसके बाद वहाँ से होकर ही गुरुद्वारा जाएंगे। उस तालाब का भी एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि पुराने एक ऐसा कहावत था कि जो उसमें कोई ऐसी लड़की गई नहाने, उसमें एकदम अजीब थी, काली थी, जब उसमें नहाने नहा कर निकली एकदम अच्छी हो गई। और वहाँ एक बैर का पेड़ था जो कि एकदम सूखा हुआ था, जो कि उसमें से नहा कर उस बैर के पेड़ में पानी डाली तो पेड़ भी हरा भरा हो गया। और उस तालाब का इसी करके बहुत महत्व है, जो भी जाता है अपना मुरादी लेकर वहाँ नहाता धोता है और उनका पूरा भी होता है। और देखिए यहाँ ठंडा पानी का लंगर चला है, जो कि जिसको प्यास लगा है वो अपना पानी पिए और नहीं तो फिर अपना तालाब के पास जाकर अपना गोड़ हाथ मुँह धोइए। और ऐसे तो नहाने का रूल है कि गुरुद्वारे में जाइए तो नहाइए, नहाने से जितने कष्ट होते हैं, दुख होता है, सब दूर हो जाता है। पर अधिकतर ये काम सरदार लोग ही करते हैं, हम लोग जैसे भैये तो करते नहीं हैं, भैये तो सिर्फ घूमने जाते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड जी हैं तो कह रहे हैं कि जल्दी चलो, कह रहे हैं ठीक है चलते हैं। और उसमें तालाब के पास जाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे सब, पहले ही इलाका जो था आलमगीर का गुरुद्वारा का, पहले यहाँ गुरुद्वारा नहीं था, पहले जब लड़ाई लगा था तब यहाँ अपना ये लोग मीटिंग करते थे कि आगे की लड़ाइयाँ कैसे होती है, क्या होता है। यहाँ पहले उन लोग का बैठने का छुपने का अड्डा था। देखिए हम आगे हैं सरोवर के पास, सरोवर में नहाएंगे तो नहीं, लेकिन कपड़ा लिए नहीं है, पर अपने सर पैर मुँह हाथ धोए, पानी डालेंगे अपने ऊपर ताकि नहाने के सर हो जाए। और इस सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, सरोवर के बीचे बीचे एक कुआँ भी है, जहाँ कुएँ में जब कभी कोई हमलावर आ जाता था गुरु लोग को हमला करने के लिए तो लोग कुएं के अंदर घुस जाते थे। देखिए कुआं है और कुओं के ऊपर दिख रहे हैं कितने सारे मन्नतें, इतना मानते हैं जो कि सबके पूरे हो जाते हैं। उसको गुरु गोल आदमी घूमता है, मत्था टिकता है, फिर आता है। यहाँ से देखिए कितनी सारी मछलियाँ भी हैं सरोवर में। और हम निकलेंगे यहाँ से गुरुद्वारा जाने के लिए, करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर मछली मेरे हाथ आई नहीं, डर भी लग रहा था, कभी मछली तो पकड़े नहीं हैं। और पहले एक जंगल एरिया था और आज के रेट में इतना बड़ा गुरुद्वारा बन गया है कि पूछिए मत, लाखों आदमी डेली यहाँ भोजन करता है फ्री, यहाँ कोई मतलब चार्ज वगैरह नहीं दिया जाता है, नहीं कि वो ऐसा कुछ नहीं है। गुरुद्वारा एक ऐसा चीज़ है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाता है। और सरोवर का पानी जो है हमेशा बिल्कुल चाहे जितना मर्जी हो एकदम साफ ही रहता है, उसको जितना नहाना धोना हो पर सरोवर कभी गंदा नहीं होता है। समझ में आता है कि सरोवर के बीच में पानी कहाँ से आता है, ये नहीं कि मोटर मशीन से भरा जाता है। देखिए हम आ गए हैं गुरुद्वारे के अंदर और देखिए कितना बड़ा फैन लगा हुआ है और इसमें इतना अजीब सा जैसे लगता है कि एसी लगा है, एकदम शीतल सा प्रदान हो रहा है। और यहाँ चारों तरफ लिखा गया है कि वीडियो कैमरा है और फोटो खींचना मना है, फिर भी ये चीज़ का हम उल्लंघन किए। देखिए यहाँ सब लोग बैठे हैं गुरुद्वारा में
और हम सोचें कि किसी तरह आप लोग को दिखाएं गुरुद्वारा का सीन। मुझे डर भी लग रहा था कि कोई मुझे बोले ना, फिर भी आप लोग के लिए इतना मेहनत किए हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।